धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियां छिपाने के लिए नए चुगफे छोड़ रही है। कांग्रेस के काले कारनामे जनता भलीभांति जानती है और कांग्रेस की ये हालत है कि चौबे चले थे छब्बे बनाने और दूबे बनकर निकले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी आंख खोल लें क्योंकि जयराम सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें धरती पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूछ रही है कि पीएम ने हिमाचल को क्या दिया। इस पर किशन कपूर ने कहा कि पीएम ने एक साल में प्रदेश को 9,500 करोड़ की सहायता दी है, इतनी बड़ी प्रदेश को पहली बार मिली है। कपूर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर प्रदेश की जनता कांग्रेस को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आईना दिखाएगी। किशन कपूर ने कहा कि धर्मशाला में पीएम की रैली से प्रदेश में इतिहास बना दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद ये रैली अपनी तरह की अलग रैली थी। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से जो संदेश प्रदेश में गया है उससे आगामी लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज कर मोदी की झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि रैली में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना मोदी के प्रति उत्सुकता और सीएम की लोकप्रियता को दर्शाता है। किशन कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में हिमाचली टोपी व कांगड़ी धाम का जिक्र करके प्रदेश के प्रति अपने जुड़ाव को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले प्रदेश सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रूप से मनाया है। कांग्रेस को पता था, उन्हें अपनी नाकामियों का पता है। उनकी सरकार चाहे केंद्र में रही चाहे प्रदेश में रही, वो हमेशा सगुफे छोड़ते हैं और झूठ बोलकर चुनाव जीतते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने सगुफा छोड़ा। और लोगों ने सोचा था कि ये क्या चार्जशीट लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। सरकार के प्रति, जयराम सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जो है वो बहुत बड़ा है, और जो सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं उसके प्रति लोगों का जो झुकाव है, इस महारैली के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस एक झूठ का पुलंदा लेकर आई थी चार्जशीट के रूप में। 100 आदमी के पास झंडे दिए गए और कांग्रेस के नेता अलग अलग गुट में अलग अलग दिखाई दे रहे थे। आपने भी स्वयं देखा होना, एक तरफ ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता श्री अग्निहोत्री जी, श्री कौल सिंह जी, श्री सुखराम जी अलग अलग गुट में 5-5, 10-10 लोगों के साथ दिखाई दे रहे थे, और बुजुर्ग नेता तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। इनमें होड़ लगी है कि कौन आगे ही निकलेगा, नंबर वन कौन बनेगा। ना ये नंबर बनेंगे, ना मुझे लगता है कि नंबर 9 और 10 पे ना चले जाए, 9 नंबरीय और 10 नंबरीय ना हो जाए, ठीक है ना जी। अब कांग्रेस झूठ का पुलंदा लेकर आई है, ठीक। तो जैसे एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई। कांग्रेस के सगुफे जो हैं अब हिमाचल प्रदेश में ज्यादा देर चलने वाले नहीं। हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक पढ़ा लिखा है, वो सब जानते हैं कि असलियत क्या है। थैंक यू सर।